जो बारिश हुई है इससे तो हमारी खुशहाली बढ़ी है, और इस मोदी जी और मोदी जी के जो दलाल है अवारी अडाली उससे और संघर्ष करने के लिए हमें ऊर्जा मिली है। निज देश की रक्षा करने को मांग रही बलिदान, उठो वीरो, ये मोदी चोर चलिंकित है और दगाबाज तो निश्चित है। शर्म न जाने धर्म न जाने न्याय का नाम चिंकित है। बेईमान लुटेरे घाती का करना नहीं ठीक है, ईमान उठो वीरो, निज देश की रक्षा करने को मांग रही बलिदान, उठो वीरो। ये बहुत बड़ा एक संघर्ष है, आंदोलन है। ये छोटी मोटी बातें जो हैं वो हमारे लिए कोई मायना नहीं रखती हैं जी। या हमारे लिए जो जो हमारे सामने जो चुनौती है उसके हिसाब से देखें इस पर, तो ये बहुत छोटी बातें हैं। देखिए हमारे पास ये ट्रॉलियां हैं, ट्रैक्टर में ट्रॉलियां हमने पैक कर रखी है, इनके अंदर हमारे बिस्तर लगे हुए हैं, हमारे पास है पानी के, हमारे साथ टैंकर रखते हैं, ठीक है पानी का टैंकर रखते हैं, लंगर रखते हैं, सिलेंडर हमारे पास 10-12 एक्स्ट्रा सिलेंडर हैं, सोने वोने की सब कुछ व्यवस्था है। मतलब बारिश आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, चाहे ओले पड़ जाए, और बारिश में किसान तो रहा ही, बारिश में है, सर्दी में है, किसान ने तो हमेशा आसमान की आफत को झेला है। इस देश को बसाने वाला, इस देश को जिंदा रखने वाला ही किसान है, और ये सरकार किसान की नहीं सोच रही है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। बारिश की दिक्कत तो किसान मानता नहीं, किसान को तो फायदा हुआ है बारिश से। हम तो पैदा भी खेतों में हो जाते हैं, हमारे बहुत से बच्चे जब हमारी माए खेत में काम करती थी, बच्चे वहाँ पैदा हो जाते हैं। हम बचपन से हर मौसम की मार उठते हैं, हमें मौसम की मार की दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत है दिल्ली की सरकार ने जो हमारे को मार मारी है, उसकी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। और हमारे ही देश में हमारे ही वोट लेके हमारा ही दुश्मन एक हिटलर तानाशाही कर रहा है हमारे ऊपर। हमारे 50 से ऊपर किसान भाई शहीद हुए हैं, और उसने एक बार भी किसी किसान भाई को श्रद्धांजलि नहीं दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि हमारे देश का प्रधानमंत्री और किसान की बात करने वाला प्रधानमंत्री और किसानों के बारे में ना कही, ऐसे प्रधानमंत्री को 24 घंटे कुर्सी पर रहने की नहीं रहना चाहिए, ना उसका अधिकार है, ना उसका नैतिक फर्ज है। हम कोई टाटा बिरला डालमिया कॉर्पोरेट की औलाद नहीं है। जो बारिश हुई है इससे तो हमें खुशी हुई है। देखो कुदरत अपना काम कर रही है और हमारी मदद भी कर रही है। यहाँ हमें हमारे लिए थोड़ी सी शारीरिक रूप से परेशानी है, मानसिक रूप से नहीं है। मानसिक रूप से हम खुश भी हैं, क्योंकि हमारे खेतों में अगर ये बरसात होगी तो हमें जीवनदान मिलेगा। दूसरी बात रही, हम संघर्ष में हैं, ना कि आराम करने के लिए आए हैं। मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन हमारे हौसले जो हैं वो भी उतनी बुलंद हैं, इसलिए हमें इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है जी। हम अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। हमें कोई ऐसा यहाँ आपको किसी के चेहरे से ये आप नहीं महसूस कर पाएंगे कि वो उसका मोरल डाउन है, है ना, या वो परेशानी है, उसके परेशानी पे कोई बल है, ऐसा कुछ नहीं आपको दिखेगा। समस्याएं तो आंदोलन है तो आंदोलन में समस्याएं आएंगी, लेकिन हम किसान महिलाएं हैं तो हमें इस समस्या का समाधान और इस समस्या को झेलना भी आता है, क्योंकि हम खेतों में काम करने वाले लोग हैं। बारिश तो वहाँ भी होती है तो खेत में भी काम करना पड़ता है, तो हमें इस भूमि को बचाने के लिए, इस खेत को बचाने के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए हम ये मुसीबत पूरी झेलने के लिए तैयार हैं। ये दो दो रजाई बीज की जो दूसरी बीज है, दूसरी ले लिया, ऊँटा कोई नहीं अठेरे का, वो जितने वो कानून ऊँटा नहीं ले रहे थे। बिल्कुल परेशानी है, हमारी रजाइयाँ बीग रही हैं, हमारे कपड़े बीग रहे हैं। ये जो हमने आरजी तौर पे ये हमें पॉलीथीन वगैरह से इंतजाम किया है, हवा से फट जाता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देख सकते हैं हमारी रजाइयाँ भीगी हुई हैं, लेकिन हम मज़े से हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी। बारिश से तो दिक्कत है, लेकिन क्या कि किसान तो वैसे ही कि बारिश में ही रहता है और दिक्कतों में ही रहता है, तो ये जो तीन काले कानून आए हैं इनको हम रद्द करवा के ही जाएंगे। बारिश के अंदर हमारे को बड़ी भारी खुशी हो रही है, दिक्कत नहीं हो रही है बिल्कुल भी। हमारे को फसलों के अंदर सिंचाई करने से फुर्सत मिल गई। अब किसान जो है ना, पहले तो पानी पुनी लगाने खातर जाया करते, अब वो खाली हो गए, अब वो भी यहाँ
रावण की पकड़ रहे हैं 100-100, 200-200 ट्रैक्टर को 1100 ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं अभी। एक दो दिन के अंदर यहाँ जबरदस्त भीड़ हो जाएगी। बारिश से क्या दिक्कत है हमको? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती जब दिल में आपके मन में जो है ना थोड़ा खोट हो ना, पाप हो ना, तब भागेगा आदमी छोड़ के कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को बरसात में भीग गया। मन में तो वो बात ही नहीं है। मन में तो ऐसा बुलंदियाँ हैं कि आप बारिश आए चाहे गर्मी आए चाहे धूप आए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अरे बारिश में हमारी खेती लहरा रही है, देखो मेरे भाइयों की, हमें और ऊर्जा मिली, और ऊर्जा मिली।